बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशवाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस वक्त के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। कुछ दिन खूब धूप पड़ी है, साफ धूप निकला करती थी, लेकिन आज मौसम फिर धुंध की लपेट में आ चुका है। आप देख सकते हैं हर तरफ धुंध छाई हुई है, सूरज भी नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन 9 बजे का टाइम है। त्रि भाई आ चुके हैं, ये वाला सारा हिस्सा ख़त्म कर गए थे, पत्थर लग गया है, और आज इसकी सफाई करने के बाद करेंगे ग्रोट, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पत्थर लगाएंगे। सुबह सुबह चाय भी पक गई है, आज टाइम से पहले चाय देते हैं भाइयों को। मेरी हालो फिर करे आज उधर ले। चलो, तो ये वाला भी आज पत्थर इंशाल्लाह लगाएंगे। हाँ, सौखी जिनिया मर्जी मनिया डालो। आ जानी, आनी क्यों नहीं। और जो फूल हम लेके आए थे वो भी हाल में लगा लिए हैं। जो ब्लैक फिलिंग थी वो भी कल शाहिद भाई ने कर ली थी। रगड़ाई वाला आएगा हफ्ते वाले दिन और अपना काम शुरू कर देगा। फूल जब दीवार के साथ पड़े हुए थे तो उस वक्त तो इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब साथ जिस जगह पे लगने हैं वहाँ पे 5 फूल लगा लिए हैं। 2 रहते हैं, एक यहाँ पे लगना है और एक वो जहाँ ट्राली रखी हुई है, खड़ी हुई है, वहाँ पे लगना है। तो ये काफ़ी माहौल बनाएंगे माशाल्लाह। नो, मैं नहीं पीनी, उन्होंने नाश्ता किया नहीं, एक कोट को नहीं है, सारा ही कोट तू पी ना, मैं नहीं पीता। 4 हाल बेचने ना, एक पिछले पासे, एक परले पासे पुराने घर वाले, एक ये रंग नहीं है फिलिंग की थी। हाँ, ये उत्तर रगड़ाई होके ना तो फिर सारा जरा प्लेन हो जाएगा। हाँ, उत्तर जो सफाई हुई तो सारे गहरे हो जाने। 3-4 दिन इन्हों के थले लगने ने फिर उत्ते। तो फिर जाएंगे ऊपर और ऊपर पत्थर का काम शुरू करेंगे। रगड़ाई वाली मशीन भाई रगड़ाई वाला छोड़ गया था, ऐसा आख्या ठंड है सवेरे सवेरे। जी हमारे पास तो टाइम नहीं था और इन भाइयों को गोडी के लिए बुलाया है, क्योंकि इनका गोडी में बहुत तजर्बा है, प्रोफेशनल है अपने काम। तो गोडी कर लेंगे, उसके बाद खाद वगैरह भी डालेंगे बाग को। तो आज गोडी का काम भी माशाल्लाह शुरू हो चुका है बाग की, क्योंकि अभी बाग को गोडी की ज़रूरत है। बाहर का मौसम शुरू होने वाला है तो नई कलियां निकलने से पहले पहले, नई शाखें निकलने से पहले पहले जो है ना गोडी और खाद बाग को बहुत ज़रूरी होती है। ए काट के पाया से फिर इन धोवो दे सही, ये फिर ना बिच फसे दा सही। ठीक, ये ग्रोट के लिए मटेरियल तैयार किया है। चिट्टे सीमेंट के कुछ होर भी पाते हो? सही, बेचारा कस गया। सूरज दिखाई देने लग गया है। शीशे को ग्रोट कर गए हैं और अब यहाँ पे शुरू करने लगे हैं पत्थर। आसिफ भाई और शाहिद भाई लेवल निकाल रहे हैं। लेवल करने के बाद भाई आसिफ, ये पानी कितों निकले दा? ये भाई सारा फ्रंट तो गेट दे थले होंदी, जबरदस्त। तो एडी दूर लेवल काट लो दे। आप सेकंड टाइम यहाँ पे पत्थर लगाना शुरू किया है।
और देखे हम मेहमानों की कितनी खिदमत कर रहे हैं। हमारा तंबाकू माशाल्लाह गोडी कर ली और कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। गोडी वाले भाई तो मेरा ख्याल है कि अगले प्लॉट में चले गए हैं, वो नज़र आ रहे हैं, देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल है काम की। ये वाला हिस्सा सारा मुकम्मल कर गए हैं, गोडी कर गए हैं, लहसुन माशाल्लाह फिट फाट अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आप प्याज की गोडी का भी इन भाई लोगों को कहेंगे कि प्याज की गोडी भी हमें कर दो, क्योंकि ना भाई शहद का टाइम है और ना ही मेरा, तो वो भी उधर लगे हुए हैं, इनको ही कहेंगे कि प्याज की एक बार गोडी कर दें, फिर इसको खाद डालेंगे और पानी लगाएंगे तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये हमारी खुरली, इसके साथ इतनी यादें वाबस्ता हैं कि चंद मिनटों में बताई नहीं जाती। और आसिफ भाई ने कितनी बेदर्दी से इस बेचारी को उधर से उठा के इधर फेंक दिया है, लेकिन अब इंशाल्लाह इस पे फिर बहार आएगी। बल्कि ये खुरली बाजी उज़्मा ने लेके जानी है और वो कह रही हैं कि मैंने भैंस लेनी है, अभी देखें कब वो इस तरफ आते हैं तो क्या प्लान बनता है उनका। लेकिन कई बार लोगों ने इस खुरली को मांगा मुझसे जब मैंने जानवर मवेशी ख़त्म किए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये खुरली मैं नहीं दे सकता। आसिफ भाई ये वो खुरली, ये बहुत यादा ने इस खुरली नाल। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रहमत की और अब इतना कुछ रब ताला ने दिया है, लेकिन ये खुरली अभी भी मैंने संभाल के रखी है। अभी मैंने तो जानवर रखे नहीं हैं, तो बाजी उस्मा ने आज बात की थी कि भाई अली मैंने जो है ना सोचा है कि एक भैंस रख लूँ, तो अब उनकी बात मुझे लगता है, लगता नहीं बल्कि यकीन है कि मुझे मुश्किल ही टाली जा सकेगी। कहती है क्या माँ जी रखनी है तो भाई खुरली थोड़े को वेली पई है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जमानत दे के ते भी जेड़ा वो मेरा भाई ऐसा ही होता है, वे वे शहर च भी एवं होंगे तो निके निके चंगा पिंडा च भी इदा ही होंगे। चलो चलो थोड़ा जा मौसम जरा ना खुलता तो फिर ये कणक चाके पट्ठे गड्ढे पट्ठे होए तो फिर ही हाँ सही जबरदस्त। चलो जिवें अल्लाह ने मंजूर होया। नहीं आसिफ भाई यह बड़ा चंगा किया जी, यह सारा इधरों जो लाते जाओ उधर जो अगले गिराज आले पासे पोर्च आले पासे करके तो उत्ते चढ़ जाए। हाँ नहीं नहीं ये काम ठीक है, यह सारा इधरों मुका के तो फिर जो सही नहीं नालों नाल जो तुम उत्ते चले जाओगे पिछले रगड़ाई वाला काम शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक हो गया ठीक हो गया नहीं मर्जी तेरी भी चली रही है। अच्छा उची के लंबाई चलो वेख लियो जी अंदर ही लगेगी कि बाहर बाहर फिर टवीरे ही ला दियो जी। सही चलो वेख लियो जी हिसाब किताब
हाँ ये चीनी की टहल अपने शहर नहीं लैनी इतों यार बहुत महंगा पैंदा साहब ये बाथरूम के भांडे देखने वाले भैन भाई हसते ने बाथरूम के भांडे वाशरूम के ये टहल कट्ठे ही फेरा पार के लियावांगे।